हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद आर्ट एंड डेकोर। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे हम बनाना पील्स का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं और ईजिली अपने पौधों को फ्री में एक ऐसा लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं जिसमें आपके ज़ीरो कॉस्ट लगेगी। तो सबसे पहले मैंने केले के छिलकों को 2 से 3 दिन तक पानी में भिगो कर रखा था। उसके आधे पोर्शन को मैंने नॉर्मल पानी के साथ मिलाने के बाद मैं इसे अपने गार्डन में मौजूद सभी प्लांट्स को देने वाली हूँ, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम, कैल्शियम और फॉस्फोरस की मात्रा जो है वो अवेलेबल होती है। ये सभी अच्छे न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो जड़ों को मजबूत करते हैं, पूरे ओवरऑल पूरे प्लांट की ग्रोथ को जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। लीव्स ज़्यादा क्रिएट होती हैं, जो हमारी कलियाँ होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फूल में कन्वर्ट होती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फूल खिलते हैं। तो ये प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा सस्ता और अच्छा एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है जो आप इजीली घर में बना सकते हैं। जैसे कि सर्दियां चल रही हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसका उपयोग आप कैसे कर सकते हैं। तो सर्दियों में आप इसे महीने में 2 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पौधों के लिए, और गर्मियों की बात करें तो ये गर्म फर्टिलाइज़र है तो आप इसे इस गर्मियों में सिर्फ 1 बार अपने पौधों के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपको इसे अच्छे से पानी में, नॉर्मल पानी में डाइल्यूट करके यूज़ करना है। ये तो नहीं लिक्विड फर्टिलाइज़र के बाद आगे मैं आपको वीडियोज़ में बताऊँगी कि कैसे आप केले के छिलकों को जो है वो दूसरी खाद बनाकर भी पौधों के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है। और जैसे कि अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और ऐसी गार्डनिंग टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, गार्डनिंग विद आर्ट एंड डेकोर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।